सब्सक्राइब करें News89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। राजपुरा के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में राष्ट्रीय वोटर दिवस मनाने के लिए प्रशासन की ओर से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के लगभग सभी विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के दौरान देश की जवानी को बुरी तरह नष्ट कर रही नशों की आदतों और वोट डालने के अधिकार के बारे में विद्यार्थियों व अध्यापकों को जागरूक करने के उद्देश्य को सामने रखते हुए कॉलेज विद्यार्थियों के पोस्टर मेकिंग व लेख रचना मुकाबले करवाए गए। इस मौके पर विद्यार्थियों की ओर से बनाए गए पोस्टर व लेख रचनाओं में ज्यादातर विद्यार्थियों ने देश में फैल रही नशे की लानतों के बारे में अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य मेहमान के तौर पर राजपुरा के SDM श्री शिव कुमार जी ने शिरकत की, जिन्होंने विद्यार्थियों और अध्यापकों को संबोधित करते हुए उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जानकारी दी। इस मौके पर माननीय SDM ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नेशनल वोटर डे मना रहे हैं। इतने जो कि हर साल 25 जनवरी मनाया जाता 2011 तो कंटिन्यूसली हर साल जो 25 जनवरी आप वोटर डे वजो मनाते हैं। ये इस साल का जोड़ा है ये राजपुरा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी 111 है अपनी वह जो फंक्शन है इतने रखा गया है कॉलेज के सारे बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कई तरह के कंपीटिशन हुए हैं और इहदा मेन मकसद कि यंगस्टर नूं इस चीज़ वास्ते इनकरेज किया जाए कि वह अपनी जिहड़ी वोट की हैगी राइट है उन्हें सारे एक्सरसाइज कर। जे किसी की बच्चे की वोट नहीं बनी वह वोट अपनी बनाण और अपना जिहड़ा डेमोक्रेसी दे विच अपना पूरी पार्टिसिपेशन देन, क्योंकि जिहड़े यंगस्टर ने वह वधिया फैसले लै सकदे और वधिया जिहड़ी है गवर्नमेंट चुन के देश नूं दे सकदे। इस करके यंगस्टर नूं इनकरेज करन वास्ते ये जिहड़ा स्पैशली वोटर डे जो मनाया जाता और इस साल का वोटर डे इतने मना रहे बहुत अच्छी तरह से। सारे कामयाब नहीं हुए या बच्चों के मन के उत्ते इन्होंने नशियां का प्रभाव है? देखो जी बिल्कुल तुहाडी गल ठीक है, बई खास करके जो नशियां की गल की जाती है तो यंगस्टर तो कॉलेज के स्टूडेंट्स वाल उंगली उठती है और जो देखा जाए पिछली आप 5-4 साल की हिस्ट्री पंजाब की देखते हैं तो ये कुछ सच्चाई भी सी और इदा देखा गया सी कि कॉलेजों के नशे बेचते फड़े गए ने लोग रुझान है नशे का बच्चों च, लेकिन जदों की सरकार नवी आई है बहुत सख्ती हुई है नशे के बड़े जड़े पैडलर नशा बेचते सके बड़ी मात्रा के भी फड़े गए ने। पुलिस में भी बहुत सख्त इंस्ट्रक्शन ने CM साहब दी भी और जो बच्चों के चेहरे तो ही अज मैं महसूस कर रहा कि हूँ वो गल पहला वाली नहीं हैगी। इस करके साढ़े बच्चों कह के बच्चे अडिक्ट हैं बदनाम करना नहीं बनता। अज मैं इस चीज़ दावे नाल कह सकता कि साढ़े बच्चे जिहड़े हैगे ने बहुत तकरीबन मैं कहना इस चीज़ चो ग्रेज कर चुके हैं। सर लास्ट सवाल जी, देखो जी जिहड़ी साडियां जिहड़ियां मीटिंगां है कॉन्टीन्यूसली होंदियां रहिंदियां, मेरे जिहड़े काउंटर अपने DSP हैगे इत्थे राजपुरे दे दोनों उन्हां नाल साडियां जिहड़ियां रेगूलर मीटिंग्स होंदियां ने सारा रिव्यू किया जाता है और जिहड़ा नीचे का पुलिस प्रशासन है उन्हें बड़ी सख्त हदायत है कि जे किते भी मतलब कोई उन्होंने अख बंद की देख के नशे का कारोबार चलते तो उन्होंने खिलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाऊगा और असी आप भी जिहड़े जिथे सानू पता लगता कोशिश साडी इह भी हैगी है कि किते भी पिंडां शहरां च किसी गली महल्ले दे विच जे सानू कोई ड्रग डिक का पता लगता असी खुद उन्हों का ट्रीटमेंट कराते हैं। बकायदा तौर पर एक वार्ड इतने हॉस्पिटल बनया हुआ असी बच्चे आप ले जाके उन्होंने ट्रीट कराते हैं और डेडिकेटड जिहड़े डॉक्टर इतने ड्यूटी 24 घंटे देंगे ने। इनडोर भी जिहड़े बच्चे इनडोर जिहड़े ज़्यादा अडिक्ट ने उन्होंने इनडोर ट्रीटमेंट करके भी असी उन्होंने इस जिहड़ी हैगी नशे की आदत तो मुक्ति दवा दी। सर आखिरी वोटर डे के संबंध से भी लास्ट तुसी दो लाइनों का छोटा मैसेज की देना चाहते हो नौजवानों वोटों के संबंध में? नौजवानों तो मेरा यही मैसेज है जी भी कि देश की देखो अपनी बहुत वड्डी डेमोक्रेसी इंडिया हैगी है, वर्ल्ड की सब तो वड्डी डेमोक्रेसी है जिते 125 करोड़ आबादी के करीब अपने इंडिया की हैगी है, 90 करोड़ के करीब वोटर भी है ने और यंगस्टर का जोड़ा बहुत बड़ा जोड़ा है इंडिया के खास करके कहा जाता भी बहुत ज़्यादा यंगस्टर ने इंडिया के बाकी वर्ल्ड के मुकाबले। इस करके बड़े पढ़े लिखे इंटलैक्चुअल बच्चे ने साढ़े बड़े मेहनती बच्चे ने इन्हों का बहुत बड़ा रोल होगा वधिया सरकार बनाने बच्चों अपना जोड़ा रोल निभाना चाहिए। मैं बच्चों यही मैसेज दिना अपना जोड़ा वोट का अधिकार है इन्हें जरूर इन्हों वरतना चाहिए। थैंक यू जी।
इस मौके पर हमारे संवाददाता ने कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर गुरप्रीत सिंह से विशेष तौर पर बात की। आइए आपको सुनाते हैं इस बारे में उनका क्या कहना था। यह प्रोग्राम रखा तुसी इस कॉलेज दे विच, इहदा की मकसद की है? अज दे प्रोग्राम दे रखे दा मेन मकसद हैगा सी नैशनल वोटर्स डे, ते नाल आपां ने ड्रग डी एडिक्शन ते भी प्रोग्राम करवाए सी बच्चों नूं, ताकि ड्रग दे प्रति जागरूक किया जा सके। बिकॉज ए भी सरकार दा उपराला, सेंटर गवर्नमेंट दा उपराला, ते पंजाब सरकार दे भी उपराले चल रहे ने ड्रग्स रोकण वास्ते, ते पंजाब नूं तंदुरुस्त बनाउण वास्ते तंदुरुस्त पंजाब दा भी उपराला चलता पिया। ते इन्ना आपां ने बच्चों नूं सारे क्योंकि इकट्ठे हो रहे सी, इस कारण बच्चों नूं दोनों थीम्स दिते सी, जिन्हां ते चार पाँच इवेंट करवाए गए, बच्चों को पाँच इवेंट करवाए गए। जिहड़े सर थीम्स ते पूरे बच्चे जिहड़े ने ड्रग्स दे आले दुआले ही रहे, ते इहदा की कारण की सीगा? नहीं, काफ़ी बच्चों ने वोटर्स के उपर भी दिता है, काफ़ी बच्चों ने पोस्टर्स भी बनाए ने, स्लोगन भी बनाए ने जड्डा का, अपना वोटर्स से भी गया है, नैशनल वोटर डे रिप्रजेंट किया है। एक कुड़ी ने बहुत अच्छा रिप्रजेंट किया कि जो 2011 तो नैशनल वोटर डे शुरू होया, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने शुरू किया, तो सारा दस्या है उन्होंने, एक कुड़ी ने दस्या गया। सर तुम अपने वालों की मैसेज देना चाहोगे जी? आप अपने वालों यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो अज का यूथ है, पहली गल वो अपने वोटर्स का प्रोपर इस्तेमाल करे, क्योंकि अपना डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो आई थिंक वर्ल्ड की सब तो वड्डी डेमोक्रेटिक कंट्री के रूप में आप है भी हाँ, तो होर भी उभर रहे हाँ, तो इस कारण जोड़ा यूथ है अगर अपने वोटिंग का प्रोपर इस्तेमाल करेगा बिना किसी इन्फ्लुएंस तो आके, तो वह बहुत वधिया रहेगा। इस अवसर पर विजयी रहे विद्यार्थियों को विशेष सम्मान देकर SDM राजपुरा की ओर से सम्मानित किया गया। इस मौके पर मैडम अंजू शर्मा, तहसीलदार हरसिमरन सिंह, पेप्सू बोर्ड के EO मृदल बंसल, इलेक्शन कानगो सतिंदर कौर, हरपाल सिंह, इंद्रप्रीत सिंह सहित कई गणमान्य लोगों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। राजपुरा से ब्यूरो रिपोर्ट, News 89। सब्सक्राइब करें News 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए धन्यवाद।